एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। पहले से 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद एआईएमआईएम ने 5 और सीट काराकाट, पाटलिपुत्र, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। हालांकि मधुबनी सीट पर पार्टी ने बाद में फैसला लेने की बात कही है। इस तरह से एनडीए और महागठबंधन के साथ ही एआईएमआईएम की एंट्री से बिहार की 40 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा। ग्यारह सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था और आज 5 और सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है। चूंकि आम जनों का भी दबाव है, संगठन के पदाधिकारियों का भी दबाव है और हमें मुनासिब प्रत्याशी भी इन जगहों पर मिल रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि भाजपा को शिकस्त देने में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां रही हैं उससे ज़्यादा हमारा जो कैंडिडेट है वहाँ ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसी वजह से हम लोगों ने इन 5 जगहों का आज ऐलान किया है। यह स्थान है काराकट है, पाटलिपुत्रा है, गोपालगंज है, शिवहर है और दरभंगा है।